हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ टीसीएस पीआरए एग्जाम का कंप्लीट रोड मैप विद क्वेश्चंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको कुछ और सीक्रेट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके मदद से आप पीआरए एग्जाम ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीआरए एग्जाम इज नाउ अ डे मैंडेटरी फॉर एवरी टीसीएस कैंडिडेट। इट मे बी निंजा, इट मे बी डिजिटल। पहले क्या होता था कि सिर्फ निंजा के लिए पीआरए मैंडेटरी होता था, बट अब सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। वेदर आपने आईपीए में 80% से ज्यादा स्कोर किया है या फिर नहीं किया, दैट डज नॉट मैटर्स अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो बेसिकली पीआरए एग्जाम में थ्री सेक्शंस होते हैं। ऐसे देखा जाए कॉमनली तो ओनली टू ही सेक्शंस होते हैं, बट थ्री सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है एमसीक्यू सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है कोडिंग सेक्शन जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप किसी भी लैंग्वेज से बना सकते हो, और एक यूनिक्स कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने यूनिक्स नहीं पढ़ा, हाउ कैन आई एबल टू मेक द यूनिक्स कोडिंग क्वेश्चन। सो इट इज रियली अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ यूनिक्स। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और कोडिंग क्वेश्चन अगर आपने आईपीए दिया है तो ऑलरेडी आप अवेयर होगी किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं आईपीए दिया है तो मैं एक सैम्पल साइज दिखा दूंगा जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन जनरल ओप्स कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल कॉन्सेप्ट, यही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। सो लेट्स सी ईच एंड एवरी वन बाय वन। तो सबसे पहले एमसीक्यू जावा या फिर पाइथन से ही होगा। ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ड्राई रन प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद यूनिक्स के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद पीएलएसक्यूएल, एसक्यूएल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने आईपी दिया है तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि किस टाइप के क्वेश्चन जावा, यूनिक्स, एसक्यूएल, पीएलएसक्यूएल में पूछे जाते हैं। आईपीए में अदर भी स्टफ्स एडेड होते हैं, पीआरए में एडेड नहीं होते। हो सकता है कभी वो लोग ऐड कर दें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडेड नहीं होते। इन्हीं तीन सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये रहा एमसीक्यू क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि इजी क्वेश्चन आता है, और ये भी नहीं बोलूंगा कि हार्ड क्वेश्चन आता है, मीडियम लेवल क्वेश्चन आता है। और अगर आप टारगेट लेके चलोगे कि मेरे को दोनों कोडिंग क्वेश्चन बनाने हैं एंड देन एम सी क्यू कुछ सॉल्व कर लेना है, तो आपका 80+ आ जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो ये कोडिंग क्वेश्चन एक मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लरी दिखता होगा, तो आपको वीडियो को हाई क्वालिटी में करना होगा तो थोड़ा सा क्लियर दिखने लगेगा। अगर आपको इस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए, कैसे इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, कैसे इन सारे कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फास्ट मैनर में, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ला दूंगा, और उसमें मैं आपको लाइव कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरे पास वैरायटीज ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस अवेलेबल है इन सब टाइप के। अगर आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, यू कैन एक्चुअली मेक दैट कोडिंग क्वेश्चन इन एन इजी मैनर। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसको 30 to 40 मिनट्स लेते हैं सॉल्व करने में, लेकिन यू कैन मेक इट इन ओनली 15 मिनट्स, एंड दैट्स द पावर ऑफ सॉल्विंग एंड प्रैक्टिसिंग इट। सो इसी टाइप के होते हैं, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा, आप उसको देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं ला दूंगा। देन आता है यूनिक्स कोडिंग क्वेश्चन। यूनिक्स कोडिंग क्वेश्चन वन ऑफ द इजी कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि आप यूनिक्स के साथ फैमिलियर नहीं होते हो स्टार्टिंग से, बट एट द सेम टाइम का जो कोड होता है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है और काफ़ी ज़्यादा इजी कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आपको प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। वन ऑफ द एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कोडिंग क्वेश्चन का दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, यूनिक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन चाहिए, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू सॉल्व, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और साथ के साथ टीसीएस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए अपने चैनल पर, आप उसको गो थ्रू कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट में एलोकेशन कैसे होता है, आईपीए क्या होता है, ऑल स्टफ्स मैंने काफी सारे वीडियो बनाए, आप उसको गो थ्रू कीजिए। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड,
तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, टच में आ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो या आई एम रैपिंग दिस वीडियो ओवर हियर, साइनिंग ऑफ।